अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं रिमशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो है कोकोनट एंड ऑलिव ऑयल के स्क्रब के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से ये स्क्रब बना सकते हैं और जिस तरह हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ब्लैक हो जाते हैं, जिस तरह हमारी नेक, हाथ के ज्वाइंट्स, पैरों के ज्वाइंट्स और भी बहुत सारे हमारे एरियाज जो कि ब्लैक हो जाते हैं और बहुत बुरे लगते हैं हमारी स्किन पर, तो उसको हम इस ब्लैकनेस को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, वो भी बिल्कुल एक सिंपल दो इंग्रेडिएंट्स को मिला के। सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ऑलिव ऑयल में होता है विटामिन ई, एंड विटामिन ई हमारी स्किन को यूथफुल करता है, टाइट करता है, ब्राइट करता है और रिंकल्स का भी खात्मा करता है। जब हम उसको कोकोनट में ऐड करेंगे तो कोकोनट में होते हैं विटामिन सी, ई, B1, B3, B5, B6 एंड मिनरल, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो इतनी सारी चीज़ें, ये वो सारी चीज़ें जो कि हमारी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में भी यूज़ होती हैं। तो इस स्क्रब को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिएगा कोकोनट पाउडर, और ये कोकोनट पाउडर इस तरह बाज़ार से भी मिल जाता है, एंड उसके अलावा आप इसको घर में भी क्रश करके कोकोनट को बना सकते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून, क्योंकि मुझे सिर्फ हैंड के लिए चाहिए। अगर आप फुल बॉडी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से ज़्यादा लेना पड़ेगा। उसके बाद मैं ले रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल, ये भी मैं 1 टेबल स्पून ही ऐड करूँगी। इन दोनों को मिक्स करके अपने हाथ पर मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊँगी। तो जब भी स्क्रब हम अप्लाई करेंगे तो हमारी बॉडी एक्सफोलिएट हो जाएगी। इसको हम सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे। इस तरह ये होगा कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी और हमारी जो ब्लड सेल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है। तो जब हमारी ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होगी तो हमारी स्किन भी खुद ब खुद ब्राइट हो जाएगी। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ये इस तरह एक स्क्रब बन जाएगा एंड इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। मैं आपको हाथ पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हम सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं। मेरा फोकस जो है वो मेरे जॉइंट्स पे है ज़्यादा, क्योंकि मेरे वो जॉइंट्स जो हैं वो थोड़े उन पे डिक्लोरेशन हुई हुई है। इस तरह से हम उसको रब करेंगे एंड हम इसको 5 से 10 मिनट तक अपनी स्किन पे इसी तरह रब करेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इस स्क्रब को आप बना के भी रख सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। सो जब आप डेली अपनी स्क्रबिंग करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट मिलेगा। वैसे अगर आप इसको वीक में 2 दफ़ा भी यूज़ करें तो भी आपको बहुत ही अच्छा और बहुत जल्द रिज़ल्ट इसके मिलने लग जाएंगे। तो ये जो है ऑर्गेनिक स्क्रब है, इसकी कोई भी जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने ल्यूक वार्म वाटर से अपने हैंड को वॉश किया है एंड मेरे हाथ बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गए हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।